मैं इस सीरीज को बहुत हल्के में ले रहा था, मेरा कोई मन नहीं था इसको देखने का, बट ऐसे ही सोचा कि यार इस बार देख तो लेते हैं कि कैसे इस सीरीज को बनाया गया है। तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे पिल वेब सीरीज के बारे में। जियो सिनेमा के ऊपर आप इसको देख सकते हैं और इस सीरीज के अंदर आपको 8 एपिसोड देखने को मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं कि इस सीरीज में हमें क्या देखने को मिलता है, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी कहानी की हम चर्चा कर लेते हैं। तो पिल, जैसे इसका नाम है, इससे समझ जाओगे कि इसके अंदर दवाइयों से रिलेटेड यानी फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड चीजें हमें देखने को मिलने वाली है, कि फार्मा इंडस्ट्री में करप्शन कैसे होता है, गलत दवाइयां कैसे मार्केट में लाई जाती हैं, फेक ट्रायल करके फेक दस्तावेज लाके लोगों की जान के साथ कैसे खेला जाता है, ये सब चीजें हमें देखने को मिलने वाली हैं इस सीरीज के अंदर। ऐसी ही एक कंपनी है इस सीरीज में दिखाई गई है, फॉरएवर फार्मा क्योर, फॉरएवर क्योर फार्मा करके उसका कंपनी का नाम है, जो बहुत ज्यादा पावरफुल है। लोगों के साथ, उनकी जान के साथ वो खेल रही है, उनकी हेल्थ के साथ वो खिलवाड़ कर रही है, ट्रायल नहीं करते हैं, फेक दस्तावेज लगाकर सरकारी लोगों को अपने साथ मिलाकर वो नकली दवाइयां मार्केट के अंदर ला रहे हैं। और इस कंपनी को रोकने के लिए डॉक्टर प्रकाश और उनकी टीम सामने आती हैं, जो इस कंपनी की सच्चाई लोगों के सामने लाना चाहते हैं। तो अब वो इस कंपनी की सच्चाई लोगों के सामने कैसे लाएंगे, ये सब चीजें देखने वाली बात होती है और इनका जवाब आपको तभी मिलेगा जब आप ये सीरीज देखोगे। देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, पूरी वीडियो देख लेना, तब आपको डिसाइड कर लेना। तो अब बात करते हैं कि सीरीज के अंदर क्या अच्छा है जो इस सीरीज को देखने लायक बनाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉन्सेप्ट उठाया गया है, जो फार्मा इंडस्ट्री है उनके अंदर जो करप्शन जैसे होता है, गलत दवाइयां जो है जो मार्केट में लाई जाती हैं, इसका जो कॉन्सेप्ट हमें दिखाया गया वो काफी ज्यादा बढ़िया मुझे लगा। कि हाँ, एक जो चीज है जहां कमियां हो सकती हैं उसको सामने लाना लोगों के, वो काफी बढ़िया चीज मुझे लगी। इसके अलावा जो रितेश देशमुख जी की ये पहली वेब सीरीज है, आई थिंक सो कि उनकी पहली सीरीज हो, तो जैसे उनकी परफॉर्मेंस इस सीरीज में रही है बहुत बढ़िया रही है। एक सीन आता है डॉक्टर प्रकाश, जब उनके घर पे, डॉक्टर प्रकाश के घर पे उनके जब गुरु उनसे मिलने आते हैं, तो वो वाला सीन काफी ज्यादा मुझे बढ़िया लगा। बाय एक्सप्रेशन जो उनकी वहां पर परफॉर्मेंस दी गई है वो बहुत उम्दा लेवल के, नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस कहूंगा। मैंने वो सीन मतलब 3-4 बार मतलब पीछे करके देखा कि यार ये वाला सीन, ये वाला एक्सप्रेशन मुझे बहुत बढ़िया लगा। इसके अलावा एक नूर खान करके एक कैरेक्टर है जो एक जर्नलिस्ट है, और यहाँ पर जो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी मुझे काफी बढ़िया लगी। और इसके इर्द गिर्द थोड़ी बहुत कॉमेडी भी रखी गई है, जो हाँ एक बढ़िया डिसेंट हम कॉमेडी कह सकते हैं। और जो मेन विलन है इस सीरीज के अंदर, ब्रह्मा गिल, जिसको प्ले किया पवन मल्होत्रा जी ने, बहुत रियलिस्टिक परफॉर्मेंस उन्होंने निभाई है। मतलब वो जो गुस्सा उनके चेहरे पे दिखता है, वो एक तनाव उनके चेहरे पे दिखता है, वो एक एरोगेंस उनके चेहरे पे दिखता है, वो वाकई में बहुत बढ़िया लगा है। इस सीरीज के अंदर एक कोर्टरूम ड्रामा भी हमें देखने को मिलता है, जो काफी बढ़िया मुझे लगा, क्योंकि जिस तरीके के फैक्ट वहां पे रखे जाते हैं, जो बहस एक वकील जो वहां पर कर रहे हैं, फिर जज के सामने जो एक तरीके से अपना केस रखना, जज जो है कैसे ललकार मारते हैं कि भाई तुम वकील तो नहीं हो, तुम्हारा काम यहाँ पर डॉक्टरी करने का, तो डॉक्टरी करो, वकील मत बनो। तो जो एक कह सकते हैं कि सम्मान रखा गया कोर्ट का, या फिर कोर्ट के अंदर जैसे कार्रवाई होती है, वो सब चीजें देखने में काफी बढ़िया मुझे लगा। मतलब छोटा ही सीन है, लेकिन उसको बहुत अच्छे से उसको प्रायोरिटी दी गई है कि हाँ इसके अंदर भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गई इस सीरीज की अच्छी अच्छी बातें। अब बात करते हैं कि इस सीरीज में हमें कमियां क्या देखने को मिलती है। देखो, इस सीरीज की कहानी कोई ज्यादा बढ़िया मैं नहीं कहूंगा कि हाँ यार बहुत जबरदस्त है, बहुत परिवर्तन ला देगी, ऐसा नहीं है। हाँ, एक एवरेज स्टोरी कह सकते हो, ज्यादा उम्मीदें मत लगा लेना इस सीरीज से। सीरीज की कहानी काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल है, इसकी एंडिंग में क्या होगा ये आप आसानी से पता लगा लोगे। कभी कभी सीरीज जो है काफी अच्छा फील देती है कि यार हाँ यार इसके अंदर दम है, सीरीज के अंदर ऐसा लगता है, लेकिन कुछ देर बाद ऐसा फीलिंग होती है कि यार यहाँ पर कुछ कमियां हैं, इस सीरीज को और ज्यादा डार्क होने की ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री के बारे में दिखा रहे हो, तो वहां पर जो डार्क जो एक सीक्रेट है उन सब चीजों को सही ढंग से नहीं ला पाए इसके मेकर, जो डेप्थ में जाने की जरूरत थी कॉन्सेप्ट के, एक ऊपरी तौर पर हमें दिखा दिया जाता है। इस सीरीज की जो शुरुआत होती है कि हाँ एक फाइल जो है वो कचरे में जाती है, एक कचरे में जाकर एक ये जो फाइल है वो जर्नलिस्ट को मिलती है, तो ये जो एक शुरुआत दिखाई गई है वो मुझे काफी ज्यादा इलॉजिकल लगी। अगर वो फाइल नूर खान या फिर जो जर्नलिस्ट है उसको ना मिलती तो क्या ये कहानी आगे नहीं बढ़ती? तो ये सब चीजें जो है वो इलॉजिकल तरीके से दिखाना कहीं ना कहीं इस सीरीज में एक इंटरेस्ट कम करती है। कुछ एक करेक्टर है जहां पर मुझे लगता है कि उनकी कोई भी जरूरत नहीं थी, उनको बिना वजह इस सीरीज के अंदर डाला गया है। कुछ और एक्टर है जिनको मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत थी उनके परफॉर्मेंस को सुधार की, तो वो सब चीजें नहीं की गई है। जो करेक्टर्स है जहां पर डेप्थ की जरूरत थी उन करेक्टर्स के बारे में जानने की, वो सब चीजें नहीं दिखाई गई है। तो ओवरऑल मेरी तरफ से तो देखो इस सीरीज को मैं देना चाहूंगा 5.5/10। अगर आप लोगों ने सीरीज देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को सीरीज कैसी लगी। अगर नहीं देखी है तो वन टाइम आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। फार्मा से रिलेटेड जो चीजें इसके अंदर दिखाई गई हैं, जो कॉन्सेप्ट उठाया गया है वो काफी बढ़िया मुझे लगा। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।